अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए क्या बन रहा है आप देखें। कितने अच्छे से प्यारे से लेमन हैं, तो ज़ाहिर है लेमन की रेसिपी बन रही है। लेमन से बना रहे हैं लेमन कर्ड केक, बेक करेंगे जिसको। और उसके लिए मैं कुकीज यूज कर रही हूँ, चेस्टनट कुकीज है मेरे पास। आप कोई से भी कुकीज यूज कर लेगा, लेकिन ये यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आजकल बॉक्स मिक्स एवरीवेयर चल रहा है कुछ रेसिपी के लिए, तो मैं बॉक्स मिक्स यूज कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का एक पैकेट ले लें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलें, अब यहाँ पे मैंने लेमन के पीसेस कर लिए हैं। आपको चाहिए 1/2 कप और 100 ml, दोनों में से आप एक कर लें। यहाँ पे मैंने लिए 1 कप शुगर, आपने 1 कप शुगर लेनी है। उसमें आपने क्या करना है, इसका जेस्ट जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालना है। चलिए, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जेस्ट कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास जेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इस तरह से उसको छुरी से छील लें और उसको स्लाइसेस करें बारीक बारीक। बारीक स्लाइसेस करने के बाद आप चीनी और इनको मिलाएं और ग्राइंड कर लें, तो जो मैं अभी आपके सामने कर लें, ताकि आपके जो चॉपर है उसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये सिर्फ आइडिया है कि अगर आपके पास जेस्ट नहीं है उस वक्त करने के लिए, क्योंकि इसमें लेमन का ये लाजमी डालना है आपने, क्योंकि लेमन जेस्ट केक है, कर्ड केक है, तो जाहिर है इसमें लेमन का फ्लेवर आना चाहिए। सो 1 कप इसमें ये गया, और ये जो लेमन हमने अभी स्लाइस और चॉप किया था आपके सामने, चलें देखें आप, ये बिल्कुल रेडी हो गया आपका। यहाँ पे लिए हैं हमने 6 अंडे। इसका आप इसमें कई रेसिपीज में ऐसा होता है लेमन कर्ड में कि आप होल एग भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें इसका योक यूज कर रही हूँ। एग वाइट्स जो है आप किसी और चीज के लिए भी रेसिपी के लिए यूज कर सकते हैं। इससे यह है कि इसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा, क्योंकि हम लेमन की चीज बना रहे हैं तो येलो येलो सा आएगा, तो इस वजह से मैं पूरा अंडे भी नहीं डाल रही हूँ इसमें। इसमें मैं 6 एग यूज कर रही हूँ और जिसके सिर्फ योक यूज कर रही हूँ। हमने 6 अंडों की जो जर्दी ली थी उसे हम खुद रेस्ट कर लेंगे हल्का सा, और अब यहाँ पे जो हमने शुगर और जेस्ट का मिक्स बनाया था वो इसमें डालेंगे। इसको भी आप आराम से इसमें मिक्स कर लें, और इसमें आपको पता है कि इसमें मैंने पैन में इसलिए डाला है कि इसको थोड़ा सा कुक भी करना है, तो थिक थिक ऐसा लीजिएगा जिसमें ये आप जले ना आपका शुगर और अंडा जो है। ये मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाला अपना जो 100 ml है लेमन जूस, वो इसे मिक्स करें, और अब इसे हम स्टोव पे थोड़ी देर बनाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको बस विस्क विस्क, ताकि अच्छी तरह आपकी चीनी भी मिक्स हो जाए और जो अंडे हैं वो भी पक जाए। हाई हीट पे नहीं करना, बहुत लो हीट पे आपने इसे करना है, मीडियम हीट पे, लो मीडियम हीट पे, ताकि वो थोड़ा सा थिकन भी हो। जब आप देखेंगे चीनी मिक्स हो गई है, तो आपने उसमें 1 स्टिक जो है बटर की डालनी है, 125 ml या 1/2 कप आप ले। अब आपने क्या करना है, बस इसको घुमाते जाना है, मिक्स करते जाना है, घुमाते जाना है, मिक्स कर। तो आप ये देखें कि बटर मिक्स हो गया है, अब इसको हमने थिक करना है, बटर चीनी सब कुछ मिक्स हो गया, इसको थोड़ा सा थिक करना है, ताकि ये थोड़ा सा जब हम केक के अंदर डालें तो लिक्विड ही ना हो। तो आपने वेट करना है कि जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो हो जाए इसे। चलिए, इसको हो गए हैं तकरीबन 6-7 मिनट बनते हुए। आपने इसकी थिकनेस का ऐसे हिसाब लगाना है कि आप जब आप वुड का ले लें कोई सा भी स्पून, और जब आप उसे करें तो ये इस तरह सेपरेट हो, तो इसका मतलब ये रेडी है। अब मैं इसे कर दूंगी ऑफ। अब आपने इसको और ज्यादा स्मूथ करने के लिए, वैसे तो बिल्कुल स्मूथ है आप देखें, लेकिन मैंने इसमें ये जो आप विस्क ले लें या कोई भी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ले लें, उससे और ज्यादा इसको स्मूथ करें। लेमन कर्ड अगर आपने किसी भी फिलिंग के लिए, चीज के लिए आपने यूज करना है, आप ये बनाएं और इसको जार में डालें और फ्रिज में रख दें, आपका 1 महीने तक बहुत अच्छी तरह से चलेगा। आप कोई भी चीज बना रहे हैं उस पर अपने लेमन का फ्लेवर लाना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ कंटिन्यूसली अभी रेसिपी जारी है, तो थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर रहे हैं। मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए 350 पे रख दिया। चलें, अब आप ले लें अपनी बेकिंग ट्रे जिसमें आपने बेक करना है, कोई सी भी ले लें,
जिसमें भी आपको बेक करना है इसको। इसमें हम डालेंगे कुकीज, ये मैंने अमेजोन से मंगाए हैं, आपको लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये एक तरह से मैं इनका बेस बना रही हूँ इसका। वहां पे जगह छोटी है, आप तोड़ के भी डाल सकते हैं उसमें। इस तरह अपना जो कर्ड बनाया है लेमन कर्ड, वो इसके ऊपर पोर करना है। तो आपने इसको देखें, लेमन कर्ड आपका देखें, आपने अगर फ्रिज में रखा होगा तो कितना अच्छा सा बन जाएगा। फ्रेश बनाएं चीजें घर में और एंजॉय करें। आपने इसको इवनली स्प्रेड कर देना और इसकी खुशबू इतनी मजेदार जबरदस्त किस्म की आ रही है। अब हमने वो जो पैकेट लिया हुआ था केक लेमन मिक्स का, लेमन केक मिक्स, कोई सा भी आप ले लें। आपने देखें इसको भी मिक्स नहीं किया, लेयर लगाई, इस लेमन कर्ड की भी लेयर लगाई जो हमने अभी बनाई है। अब इसकी भी लेयर लगाएंगे, आपने मिक्स नहीं करना, जस्ट रिमेम्बर दैट। इक्वली आपने इसके ऊपर इसको डालना। तो अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है बटर स्टिक दो और उनको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह काट लेना। मेरी एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे होगी, आप ठंडी लें, इस तरह छोटे छोटे पीस कर लें आप उसके। तो ठंडा बटर यूज करना है, जस्ट रिमेम्बर दैट। चलें अब आपने क्या करना है, आपने ये जो लेमन के बाइट्स बनाए, स्क्वेयर्स बनाए, आपने इस तरह इस पर डालते जाना। ये देखें असेंबली इसकी रेडी हो गई है। अब मैंने 350 पे प्री हीट किया है ओवन को और ये 45 मिनट्स के लिए अंदर जा रहा है। चलें जी, इसको हो गए हैं, हमने 45 मिनट्स बेक किया है और केक तैयार हो गया है। आपने टूथपिक लगा के इसमें चेक कर लेना है कि कैसी है टूथपिक के साथ, और इस पे पाउडर शुगर डाल लें थोड़ा सा। अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। ये देखें कि आपने इस पे ना कुकीज पे जो चेस इसका नाम है, इस पे कुकीज पे नाम भी चेस बने भी हुए हैं, तो आप ये इससे डेकोरेशन कर लें किसी भी तरीके से ताकि पता चले कि क्या है ये। कटिंग अपने हिसाब से कर लें, जिस तरह से भी आपको चाहिए, आपने इसकी शेप बनानी है। क्या है आपका फेवरेट टाइम, और बिस्मिल्लाह बढ़ते हैं। चलो जाए, खुशबू इतनी खूबसूरत और इतनी यमी आ रही है उसकी बटर की, और ये कुकीज भी बटर कुकीज होते हैं, कैसा है मजेदार। आप देखेंगे कितना सारा लेमन डाला था लेकिन उसका उतनी खटास नहीं है क्योंकि हमने शुगर भी डाली थी, और जो कुकी और बटर से मिक्स होके इतनी अच्छी रेसिपी तैयार हुई है। जाके प्लीज ट्राई करें, चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।